फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाद का चस्का। आज हम और आप मिलकर बनाएंगे बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। इसे आप बैंगन की सब्ज़ी बोल दीजिए या बैंगन भरवा बोल दीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले बैंगन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ब्लू वाले जो बैंगन होते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से बीच से काट लिया है। इस तरह से मैं सबको काट लूँगी। मैंने इन सबको काट लिया है। अब हम इसमें भरने के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये ज़रा सा नमक। अब हम इन सबको मिला लेंगे। अब हम इस तरह से एक बैगन लेंगे, इसको इस तरह से खोल के इन सबको इसमें लगा देंगे। ये देखिए, हमने इस सबको इस तरह से भर लिया। चलिए बाकियों में भी इस तरह से मसाले को हम लगा देते हैं। ये मैंने यहाँ पर इन मसालों को बैगन के अंदर लगा दिया अच्छे से। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर एक पैन को गर्म कर लिया है। उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये पैन गर्म हो चुका है तेल। अब हम इसमें ये किक करके बैगनों को डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे हम ढक देंगे और उलट पलट कर इसे हम फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। इसे हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये जो व्हाइट वाले बैगन होते हैं इसके छिलके को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ ताकि छिलके थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हमारे बैगन अब फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल देते हैं। इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, ये कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, 1 इलायची, 4-5 काली मिर्च। अब मैं इसमें ये थोड़ा कूटा हुआ जैसे कि इसमें है 4-5 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। इसे हम थोड़े से ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारा प्याज अब ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पर हम ये एक मीडियम साइज़ के टमाटर को डाल देंगे। टमाटर गलने तक इसे पकाएं। टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ऐसे हम ढक देंगे। हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका छिलका बिल्कुल अलग हो चुका है। बचा हुआ अब जब हम मसाले डालेंगे तब ये पक जाएगा। चलिए हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, ज़रा सा कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच। आप चाहे तो लाल मिर्च को और बढ़ा सकते हैं। और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसमें ज़रा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तेल अलग होने तक हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक बहुत ध्यान से डालें क्योंकि हमने शुरू में भी नमक डाला था, उसके बाद भी डाला है, अभी भी डाल रहे हैं। अब बहुत ही ध्यान से नमक डालें। ये मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, जैसे तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें सब पानी डाल देंगे। इसमें हम ये 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। हमारी ग्रेवी अब उबलने लगी है। इसमें हम ये फ्राई किया हुआ बैंगन को डाल देंगे। अब हम इसे ढककर तो इसे पकने देंगे। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर अब तैयार हो चुकी है। ये अच्छे से ये जो बैंगन था वो भी गल चुका है। चलिए इस टाइम पर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सब्ज़ी 2 लोग के लिए काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए तब तक मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी में।